इस वक्त की प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शराब माफिया ने कोर्ट में सरेंडर होते समय खुद को बेकसूर व जिले के बड़े अधिकारी व नेताओं का हाथ बताया। ये बड़ी खबर है। बता दें कि जिले में जहरीली शराब पीने से हो रही लगातार मौत के बीच शुक्रवार 4 जून को प्रतापगढ़ जिले के शराब माफिया संजय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने कोर्ट में समर्पण कर दिया। करोड़ों रुपए की अवैध शराब पकड़े जाने के मामले में वांछित चल रहे थे शराब माफिया संजय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। यही नहीं, शराब माफिया गुड्डू सिंह ने जो मीडिया के सामने बोला वह चौंका देने वाला था। आखिर कौन है जिले का बड़ा अधिकारी और नेता जो शराब माफियाओं को देता रहा संरक्षण? प्रतापगढ़ से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, SKH न्यूज। बड़े अधिकारी ने इसके पहले जो है कुछ दिन पहले जिले शहर कोतवाली में एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा शराब पकड़ी गई थी। किसके कहने पर उसमें कौन है वो बड़े अधिकारी? जोन का अधिकारी है। आप लोग पता करिए ना, क्या करते कहने पर उसमें FIR लगी थी और वो व्यक्ति जिसके नाम उसमें आया था उनका बहुत बड़ा करीबी है। क्या उनकी भी मिली भगत थी क्या? बिल्कुल, ये तो उनको फंसाया गया। हमसे ना हमारा कुछ है ना हमसे कोई मतलब, मेरे साथ तो हमेशा राजनीति हुई है। कौन करता रहा राजनीति? राजनीति हुई है राजनीति। आप लोग खुद मीडिया है, आप लोग इतने वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, आप लोग खुद ही पता लगा लीजिए कौन राजनीति किया है। हमसे क्या मतलब है? मेरा कुछ नहीं, ना मेरे पास कोई दुकान है, ना कुछ नहीं है। बड़े अफसर ने क्या किया? क्या नाम? अब वो नाम आप लोग पता करिए, मेरा काम नहीं है। क्या है? अरे कुछ डिमांडे ना पूरी करवाना और कुछ बस कुछ।